कितना भी बोलो लड़का मानता ही नहीं है, मंदिर में जा रहा है लड़की देखने के लिए। लड़की को मंदिर में देखेगा ये बात तो समझ में आती है, हाँ। लेकिन हमें त्योहार में क्यों बुला लिया? हाँ। अरे भाई लड़की कहाँ है, दिखाएंगे नहीं क्या? लड़की मंदिर के अंदर पूजा कर रही है भाई। जादू नैना तेरे आजा पास मेरे, जादू नैना तेरे आजा पास मेरे, मन ले बात जरा तू मेरी है, यहाँ बाहर ढूंढे नजरे मेरी है, यहाँ बाहर ढूंढे नजरे मेरी है। तू भी परवान बना मेरा दीवाना बना, तू भी परवान बना मेरा दीवाना बना, रूठना मुझसे ना तू कभी, दूंगी प्यार तुझे जाने मन अभी, दूंगी प्यार तुझे। छोड़ के ना जाना मुझे, पकड़ू पल्लू तेरा छोड़ के ना जाना मुझे, चाहूँ मैं जन्म प्यार तेरा, प्यार की रीत निभाएंगे जन्म सदा सदा, प्यार की रीत निभाएंगे जन्म सदा सदा। मुझको भी लगता तू तो यारा भोला भला, मुझको भी लगता तू तो यारा भोला भला, सुन ना बात मेरी छोड़ के ना जाना मुझे, दिल ये मेरा फिदा तुझ पे अब होने लगा, दिल ये मेरा फिदा तुझ पे हुआ रे। जादू मैं तेरे आजा पास मेरे, जादू मैं तेरे आजा पास मेरे, मान ले बात जरा तू मेरी, यहाँ बाहर ढूंढे नजरे मेरी, यहाँ बाहर ढूंढे नजरे मेरी। मान ले तू बात मेरी, क्यों सताए मुझे, मान ले तू बात मेरी, छोड़ बच्चे की तरह तू तो मासूम लगे, तू जो रूठी तो मैं छोड़ दूंगा ये जहां, तू जो रूठी तो मैं छोड़ दूंगा ये जहां। खुशियां ले लूं तेरी गम सभी तुझे दे दूं, खुशियां ले लूं तेरी गम सभी तुझे दे दूं, तेरे संग प्यार में ना डूबूंगी मैं ओ सजन, बचना मुश्किल है छोड़ेंगे अपना तुझे, है बचना मुश्किल ना छोड़ेंगे रे। जादू मैं तेरे आजा पास मेरे, जादू मैं तेरे आजा पास मेरे, मान ले बात जरा तू मेरी, यहाँ बाहर ढूंढे नजरे मेरी, यहाँ बाहर ढूंढे नजरे मेरी। तू भी परवाना बना मेरा दीवाना बना, तू भी परवाना बना मेरा दीवाना बना, रूठना मुझसे ना तू कभी, दूंगी प्यार तुझे जाने मन अभी, दूंगी प्यार तुझे जाने मन। ठीक है अब क्या बात करनी है, अब तो बस मुहूर्त निकलवाओ।
हाँ हाँ जल्दी मुहूर्त निकलवा देंगे। तो मंगनी तय कर दें? हाँ हाँ क्यों नहीं। ये लो, ये लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजुला, हेलो, ए बस करो यार, मैं टेंशन में नहीं हूं यार। अरे यार बस भी करो, मस्ती मत करो यार, समझा करो। चलो ओके बाय। अरे दिल बहुत घबरा रहा है यार, संभल के। क्या संभल के यार, चुप बे, चलो चलो संभल के। पांडे, हे पांडे, संभल के, शांति शांति, जल्दी चल ऊपर, चल 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 चल। देखो ना, तुम्हारा आदमी थोड़ा वीक लग रहा है, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। विश्व हैप्पी मैरिज लाइफ, खुश है ना तू? अरे इसे तंग क्यों कर रही हो, चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ मंजुला। हाँ पावर कट कर। हाँ कट करता हूँ यार। निकाल यार। हाँ लेके आ रहा है, चल चल चलो धीरे धीरे चलो। रेडी पांडे, आराम से पांडे, पांडे आराम से। गुजा ठीक है तुम दरवाजा खोलो। हाँ खोलता हूँ, चलो निकलो यहाँ से, चलो। मंजुला, मंजुला, मामा आप कहाँ गए थे? मंजुला गायब हो गई है। क्या बोल रहा है, ऊपर तो गई थी। अच्छी तरह से देखना ऊपर जा करके। मामा मैंने अच्छी तरह से देखा, वो कहीं भी नहीं दिख रही है। मामा आप साथ में चल करके एक बार अच्छे से देख लीजिए, आइए मेरे साथ। हे भगवान, दीदी जीजा फार्म हाउस में गए हैं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलो, कहाँ गई होगी, ढूंढो ढूंढो, यही कहीं होगी। जाओ जाओ देखो, अरे मंजुला के घर पर फोन करके देख लो ना, पता नहीं कहाँ चली गई। जल्दी करो, क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ ऊपर देखो। क्या बोल रहे हो दामाद जी? दामाद जी क्या बोल रहे हैं? मंजुला गायब हो गई। अरे यार इस जंगल में तो इंसान का नामो निशान नहीं है, तू यहाँ क्यों लाए मंजुला को? पांडे क्या कर रहे इसके साथ? अरे तू उठा भी नहीं पा रहा है इसको। तुम लोग यहाँ से निकलो, जाओ। ए पांडे हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। एक बार बोला ना, जाओ यहाँ से। तू अकेले कहाँ? पांडे नहीं गए तो मार डालूंगा, चलो निकलो यहाँ से, जब मैं बुलाऊं तभी आना बस। ठीक है। ए पांडे रुक रुक, देख तू उठा नहीं पा रहा, हम लोग तेरे साथ चलेंगे। पांडे, पांडे, thank you.
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी शादी हो चुकी है, मुझे किडनैप करके ले आया। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। लगता है तुम पागल हो गए हो। हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हारी वजह से पागल, तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। तुमने जो मुझे प्यार दिखाया उसकी वजह से पागल हो गया हूँ। मेरे पीछे पढ़ पढ़ के मुझसे प्यारी प्यारी बातें कर करके तुमने मुझसे प्यार में फंसाया। तुम्हारे प्यार की कसम खा के कहता हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। तुमने तो अपनी औकात दिखा दी ना, अब ऐसे घूर के क्यों देख रही हो? बोलो ना, बोलो, क्यों देख रही हो? पांडे मुझे छोड़ दो ना। नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं। तुम्हें छोड़ने के लिए मैंने किडनैप किया है क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इस एरिया में कोई भटकता भी नहीं है, तुम तो गई, अब भुगतो अपनी करनी का फल। नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए सर, कैसे आना हुआ? अभी कल ही मेरे बेटे की शादी हुई है। सुहागरात की रात को ही दुल्हन गायब हो गई है। कहाँ गई, कैसे गई, उसे क्या हुआ? वो खुद गई या किसी ने किडनैप किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। आप हमारे परिवार के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, ये बात किसी को पता ना चले इसका सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा। ओके सर, आप एक कंप्लेन लिखवा दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। पांडे मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो गई, इसका मतलब अब तुम दूसरे की बीवी बन गई? मेरे बारे में सोचा तुमने कि मैं क्या करूंगा जिंदगी में? तुम्हारे प्यार के बारे में सोचते हुए मुंह में उंगली दबा के सो जाऊं क्या? बोलो ना, बोलो। लड़कियों के पास तो एक मन होता है, लेकिन तुम जैसी लड़कियों के पास बहुत से मन होते हैं। फ्लर्ट करने के लिए एक, प्यार करने के लिए एक, शादी करने के लिए एक, और दिल तोड़ने के लिए एक। तुम कैसे मर्दों के दिलों के साथ खेलती हो समझ नहीं आ रहा। पांडे मेरा हाथ खोल दो ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी जिंदगी पढ़ाई लिखाई करते हुए दोस्तों के साथ मजे से गुजर रही थी, लेकिन तुम अचानक से मेरी जिंदगी में आई। मैंने तुम्हें मना किया फिर भी तुम पीछे पड़ी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ कह कह के तुमने मुझे टॉर्चर किया। याद आया ना, याद आया ना, याद आया ना। एसजे कॉलेज और एमएलके कॉलेज की फुटबॉल फाइनल कंपटीशन शुरू होने जा रही है। एसजे कॉलेज टॉस जीत गई है। अब मैच शुरू हो गया है। एसजे कॉलेज के गोलकीपर ने बॉल को रोक दिया है, अब आगे बॉल पास कर रहे हैं। ये खेल बहुत अच्छी तरह से खेला जा रहा है। एमएलके कॉलेज के कैप्टन बॉल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पहले भी जीत चुके हैं और इस बार भी जीतेंगे, हम लोगों को यही उम्मीद है। और ये रहा एमएलके कॉलेज का पहला गोल। अब एसजे कॉलेज की टीम बॉल लेकर गोल मारने के लिए आगे बढ़ रही है। और अब एसजे कॉलेज के कैप्टन पांडे ने भी पहला गोल मार दिया है।
कॉलेज के कैप्टन पांडे ने अपनी टीम के लिए दोबारा गोल मार के कमाल ही कर दिया है। हैट्रिक गोल मार के शानदार प्रदर्शन किया है और हम उनसे विनती करते हैं कि वो मंच पर आए और दो शब्द कहें। मुझे फुटबॉल बहुत क्या यार तू भी ना वो देख हेलो आप फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, आपने 3 गोल करके कमाल कर दिया। अरे दोस्त उससे बात तो कर ले यार। छोड़ ना, इन लड़कियों को कोई काम धंधा नहीं होता। अरे दोस्त इसे कहां से पकड़ के लाया भाई, हर क्लास में दो दो बार फेल होकर आया है, फ्रेंड कहकर हमारी बेइज्जती करा रहा है यार। जाने दे यार, उसे क्यों डांटता है, उसके टैलेंट के बारे में तुम नहीं जानते हो। अरे उसमें क्या टैलेंट है यार, ये तो डफर है। तुम इसके बारे में जानते नहीं हो, ये मिमिक्री आर्टिस्ट है, आवाजें निकालते हो ना तुम। कुछ सुनाओ ना हमें। आवाजें सुनाओ फिर और कुछ? नहीं तो क्या। सुनाता हूँ। MGR की तरह बात करूंगा, रजनी की तरह बात करूंगा, कमला हासन की तरह बात करूंगा, धनराज की तरह बात करूंगा। अरे रे 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 रहने दे, उनकी तरह बात मत कर भाई, अपना कॉमेडी एक्टर जॉनी लीवर है ना, उसकी तरह बात कर। चल सुना ना अब। ए नाक मुका आजा रे। यहाँ कुछ भी नहीं है, भैंस मरे तो चमड़ी मिलेगा, इंसान मरे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी ने कहा है नाक मुका आजा रे। कुछ भी नहीं है, क्योंकि नाक तो नाक है और मुंह तो मुंह है। थू, पागल कहीं का। आप सच में बहुत अच्छा खेलते हैं, आपने गोल कमाल का किया। पांडे तू तो किस्मत वाला है यार। अरे दोस्त, अरेबियन घोड़ी की तरह जो एक लड़की आती है, ठीक उसी के पीछे जो दूसरी लड़की आती है ना जिसका नाक टेढ़ा है, उसी को सेट करने की सोच रहा हूँ। तुम्हें कोई और काम धंधा नहीं है क्या? आज मैं उससे मिलके रहूंगी, देख लेना तुम पक्का। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बोले जा रही है, डर लगता है इसके साथ चलने में। हेलो, आपने बहुत अच्छे से गोल। हेलो, कौन है आप, क्या चाहिए आपको और मुझसे क्या चाहती है? हम सवाल कर रहे हैं, जवाब तो दो। मंजू ये पक्का ट्यूबलाइट है, ये हमारी बात नहीं समझ पाएगा, चल चलते हैं। हेलो, माफ कीजिए, मैं वैसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ। ए, तो एक अच्छी लड़की को मिस कर रहा है, इसलिए मेरी माँ कहती है तुमसे दोस्ती ना रखो। तुम मेरे पीछे पड़ पड़ कर मुझसे लव यू कहती रही, मैं हट गया लेकिन तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, बार बार मेरे सामने आकर आई लव यू कहकर तंग करती रही। भूल गई क्या? नोट्स चाहिए तो मुझसे ले लेना। हाँ हाँ ठीक है, एकदम मजा आ गया था, सुपर। अरे यार, अरे छोड़ो ना यार इसको। ए, ये बहुत तंग कर रहा है यार, इसका कुछ तो करो। अरे इसमें पैसा खर्चा क्यों किया? अरे यार मैं पैसा देके नहीं गया था, मुफ्त में। अरे है यार, तुम जानते नहीं, ये सिर्फ आजकल की बात नहीं है, ये रोज ही मुफ्त में जाता है। तुम छोड़ दो ना, छोड़ ना यार। नाराज हो क्या? सुन, वो देख सड़क पे किस्मत इंतजार कर रही है। अरे वाह, ये तो मोबाइल है। अरे दोस्त इसे मत छूना, इसमें कोई बम रखा होगा, इसको छूओगे तो उड़ जाओगे।
ये सब तुम्हारे भरोसे पे हैं, मेरे भरोसे पे नहीं है। चलो चलते हैं। चलो। हेलो। अरे ओ पागल, जंगली कहीं का, तूने फोन क्यों उठाया? कौन है? तेरे बगल में जो खड़ा है ना, मेरा हैंडसम हीरो, उसे फोन दे। लड़की जंगली बाल वाले को हीरो बोल रही है यार, सब बकबक की बात है, ले बात कर। मेरे लिए है। हेलो, कौन बोल रहे हो? हाँ, मैं यमलोक से तेरी मरी हुई दादी बोल रही हूँ बे। दादी, हाउ आर यू? ए बेवकूफ कहीं का, फोन उस लंबू को दे। समझ गया, मेरी पार्टी नहीं, तुम्हारी पार्टी। आई लव यू। तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो, मैं तुमसे कभी भी बात कर सकती हूँ। तो दूसरे सेमेस्टर के लिए। हाँ, सही कह रही है। पढ़ाई कर रही है। मेरा हीरो खड़ा है, मैं बात करके आती हूँ। हाँ, हाँ। देख दोस्त, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। बीमारी की तरह है वो मंजुला, हमेशा तेरी यादों में आती है। तू आगे जाएगा तो पीछे आती है, तू पीछे जाएगा तो वो आगे आती है, आगे पीछे करते रहती है। चलो यार। पांडे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? बात करो, खूब बात करो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमती हूँ तो मुझे गलत लड़की मत समझना। पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही मेरा दिल बहकने लगता है। पांडे, मैं हर रोज बहुत लड़कों से मिलती हूँ, लेकिन मेरे मन में उन लड़कों के लिए कोई फीलिंग नहीं आती। इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों की केमिस्ट्री जमेगी। केमिस्ट्री फॉर्म हो गया तो अब फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सोयोलॉजी, ये सब फॉर्म होगा ना मंजुला? बोलो बोलो। सब स्टेप बाय स्टेप होगा। है? हमें डिस्टर्ब किए बिना तुम लोग निकलो यहाँ से। दोस्त, हमें दूर जाना होगा, चलो। दोस्त, आदमी को औरत बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। अरे डफर, ये सब तुझे कैसे पता? पांडे, हम जो देखते हैं वो हमें पसंद आए ये जरूरी नहीं, लेकिन जिसे हम पसंद करते हैं उससे ना मिले तो बहुत दर्द होता है। अब सुनो, मेरे भरोसे एक माँ और दो बहनें हैं, मेरे अलावा उनका कोई भी नहीं है, इसलिए मैं प्यार मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। पापा, मम्मी, भाई, बहन, चाचा, चाची, ये तो सबके होते हैं ना, लेकिन परिवार में भी बिना प्यार के कोई नहीं रह सकता। पांडे, सॉरी मंजुला, प्यार करने की हैसियत मेरी नहीं है। ए, ज्यादा दुखी मत हो, इस लड़के ने मना कर दिया तो क्या सारी दुनिया में लड़के खत्म हो गए तेरे लिए? हम तो लड़कियां हैं, हमें अपने स्टैंडर्ड का ध्यान रखना चाहिए, इन लड़कों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, आखिर स्वाभिमान नाम की भी तो कोई चीज होती है। मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। वो मुझसे नफरत नहीं करता, बल्कि अपने परिवार और उनके लिए इमोशन की बातें करके अपने प्यार को छिपा रखा है। अगर मैंने उस छिपे हुए प्यार को जगा दिया ना तो मुझसे प्यार करने लगेगा। तू उसके अंदर प्यार कैसे जगा पाएगी? एक आइडिया है, इसमें तुम दोनों मेरा साथ दोगी ना तो हम जीत जाएंगे। पहले बात तो बता। बताती हूँ। हाँ? सुनना। क्या यार, तू हमें हाँ, सच में? ए प्लीज प्लीज, तुम दोनों एक बार मेरी हेल्प करो ना, प्लीज यार। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, चले। हाँ चलो। पागल हो गई है क्या? मुझसे छुप के कहाँ जाएगी? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ने वाली मैं तुझे, तू नहीं छुप सकती मुझसे। चल इधर आ, आ गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मेरे सामने आ, तू मुझसे बच के नहीं जा सकती, चल निकल इधर आ। आई भला को डाल दूँ, नहीं छोड़ ऐसे बता। आजा मेरी जान, आजा। अरे पागल।
मंजुला, मैं मरी हुई शांति की आत्मा आई हूँ। मंजुला पांडे, पांडे मुझे इससे बचाओ। चल बाहर निकल, मैं तुझे लेने आई हूँ। बाहर निकल, तू क्यों घूर रही है मुझे? बाहर आ। तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती। तू मेरी मंजुला को मुझे साथ ले जाने से नहीं रोक सकता। उसे मेरे साथ जाने दे। हे भगवान, ए, अब उससे ज्यादा नाटक नहीं कर सकती मैं। तू तो पागलों की तरह इस लड़के को चाहती है और तेरे लिए नाटक मुझे करना पड़ रहा है। खुजली हो रही है यार सर में। ये ले पकड़, मैं चलती हूँ। नौटंकी, आ
का रंग है, सारी दुनिया मेरे संग है। तेरी चाहतों का रंग है, सारी दुनिया मेरे संग है। तेरे संग में मेरे संग तो रहेंगे रूबरू, मेरी चाहते मेरी हसरते तू मेरी आरज़ू। मेरी चाहतों का रंग है, सारी दुनिया मेरे संग है। ओ तेरी चाहतों का रंग है, सारी दुनिया मेरे संग बता ना यार। ए, जो भी प्रॉब्लम है बात करके सॉल्व करेंगे, इसमें रोने की क्या बात है? तू बता प्रॉब्लम क्या है, बता। ये लोग प्यार करने के लिए हमें साथ लेकर आए। ये फ्रेंड प्यार करे तो हम दोस्तों को साथ देना चाहिए, समझे कि नहीं? हाँ ठीक है यार, लेकिन ये लोग प्यार करते कहाँ है, सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं बस। अरे नफर कहीं का, प्यार में एक दूसरे को देखते रहने में एक किक मिलता है यार। क्या देखते रहने को ही प्यार कहते हैं? अरे यार इसका नाम प्यार है क्या? तू बिल्कुल नहीं समझेगा, तुम लोग सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रहे बस। मैं शहर का नाम बोलूंगी, तुम फेमस चीज बताओगे। आगरा, ताजमहल है। गोवा में मस्त लड़कियाँ। माहिम में हलवा। दिल्ली में किला, लाल किला। बांद्रा में बीच, बैंडस्टैंड बीच। बीच में केकड़े। लवर्स, प्रेमी, प्यार है ना? अगर प्यार है तो किस करो अभी। ए डफर, तेरी हर बातें अच्छी बात नहीं होती। अरे बता भी देना यार, हमें यहाँ आके दो घंटा हो गया, सिर्फ बातें ही करते रहेंगे क्या? आखिर हम कब तक ऐसे बातें करते रहेंगे? अरे प्यार में ऐसा ही होता है, टाइम का पता ही नहीं चलता, समझा? नहीं नहीं, तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। इसमें धोखा देने वाली क्या बात है यार? प्यार हो तो गाना सुनाते हैं, ये तुमने कल बताया था, और अभी प्यार है तो बातें करेंगे ये अभी बता रहे हो, फिर कब प्यार करेंगे? अरे इसको कैसे समझाएंगे यार? प्यार में ना पहले देखेंगे, बाद में बातें करेंगे। बाद में? अरे यार पहले देखेंगे, बातें करेंगे, फिर दोस्ती करेंगे। बाद में? तेरी तो ये अच्छी बात नहीं है, समझा ना? अगर तुझे प्यार होगा तो तू सबसे अलग होगा, समझा? अरे दाढ़ी, अपने कॉलेज की वो चिपटी नाक वाली और टिंगी नहीं दिख रही है यार, कहाँ चली गई? अरे उसे कोई पिकअप करके लेके गया होगा। अबे डफर, और लड़की के बारे में क्या बात कर रहे हो, उस तरफ देखो ना यार। हाँ यार वो तो बहुत मस्त वाले यार, एकदम आइटम है। ए कालिया, मैंने तुझे कुछ और सोचा, तू तो कमाल का निकला यार। सिवा काशी वाला हूँ। Mm-hmm.
अरे ये तो बहुत ज्यादा तंग कर रहा हम लोगों को। ये डफर क्यों हंसता है, क्यों रोता है, जो भी करता है पहले बता, हमको डर लगता है। ये प्यार है तो देखो बातें करना, गलत बात कहा था ना तुमने, लेकिन मंजुला और पांडे ने वहाँ प्यार करना शुरू कर दिया। अभी तुमने क्यों आ रहा है? फ्रेंड प्यार करे तो उसके साथ चलो, कहा था ना चल अब यहाँ से। और तू यहाँ सीन देख रहा है, चल चल। तुम्हारी बाहों में अगर लेटे लेटे मैं मर गई तो सच्ची मुझे बहुत खुशी होगी। तो मर जाओ। मैंने तो मजाक किया था, मैं नहीं मरने वाली हूँ। मैं तो तुमसे शादी करूंगी, 5-6 बच्चे पैदा करूंगी और 100 साल तक तुम्हारे साथ खुशी से अपनी जिंदगी जीऊंगी। ऐसा होगा ना? बता बता बताना बताना। मैं पीछे पड़ा था क्या तुम्हारे? तुम पड़ी थी ना मेरे पीछे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ यही बार बार कहती थी ना। मेरे साथ प्यार का नाटक करके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के साथ शादी करने की? खेल देख के तुमने मुझसे प्यार किया ना, अब प्यार को ही तुमने खेल समझ लिया। तुम जैसी फ्लर्ट करने वाली लड़कियों के लिए प्यार कोई खेल का मैदान नहीं है, और मेरे जैसे लड़कों का दिल फुटबॉल नहीं है। अपना दिल बहलाने के लिए तुम जिसे लात मारती रहो, वैसे मेरा दिल फुटबॉल नहीं है। लड़कियों को जिस तरह तकलीफ होती है ना, वैसे लड़कों को भी तकलीफ होती है। क्यों तुम लोग प्यार करती हो, 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 क्यों तुम लोग प्यार करती हो? बांजे बांजे सहन नहीं हो रहा है बांजे, तू बहुत अच्छा लड़का है, बहुत समझदार लड़का है तू। तूने अपना कैसा हाल बना लिया? तूने कहा कि लड़की वो पसंद नहीं है तो मैं उसके घर जा करके देख करके आया, लेकिन वो सबके दिल में रह करके भी हमारी बेइज्जती करके भाग गई भांजे। सबको घर में दुखी करके भाग गई, पूरे समाज में हमारी नाक कटवा के भाग गई भांजे। उसने ऐसा क्यों किया? ये मुझसे सहन नहीं हो रहा भांजे। ए अशोक, हम बाहर शक्ल नहीं दिखा पा रहे हैं यार, आने जाने वाला हर कोई हमसे पूछ रहा है अशोक की पत्नी भाग गई है, कब कहाँ और किसके साथ गई है, और सुन के मन में बहुत ही दुख हो रहा है यार। हम क्या करें, अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमारे। ये हमारी बदनसीबी है कि तुम्हारे भाई को कोई काम धंधा नहीं। ना भागने वाली लड़की ढूंढ कर उससे शादी करा दूंगा। मैं तेरा मामा हूँ भांजे, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा भांजे। ये सब क्या है जीजा जी? हम धोखा खा गए जीजा जी, हम धोखा खा गए। हमारे परिवार की इज्जत फ्लाइट में चढ़ के जा रही है, फ्लाइट में चढ़ के। कहाँ जा रही है फ्लाइट ये? ये भगवान, आप थोड़ा शांत रहेंगे क्या? बेइज्जती हो गई, मान सम्मान चला गया, गौरव चला गया, ये सब बोलकर दुखी मत हो जाओ। ये सब बातें तुम लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं, ये सब अपने मन की बातें हैं। जो कुछ हुआ ये सब सोचकर रोते मत रहो, जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है, ये सब सोचकर खुश रहो और आगे बढ़ो। आप कह रहे हो कि हम खुश रहे, लेकिन मुझसे सहन नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। अशोक तू चिंता मत कर, मैं तेरा मामा हूँ, मैं तेरी शादी कराऊंगा।
नमस्ते। मंजुला को क्या हो गया? पागल हो गई है क्या? भागने वाली लड़की को हमारे सिर पर मर दिया। आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा शांत रहिए आप। टेंशन ना ले तो क्या करें है? हमारी इज्जत, मान, मर्यादा, सम्मान सब खत्म हो गया। आप जरा चुप रहोगे क्या? हम चुप रहे? क्यों चुप रहे हम? एक तो आपकी लड़की भाग गई है और हमें कहते हो चुप रहो। ए, किसे भागने वाली लड़की कह रहे हो? हम अपनी मंजुला को जानते हैं, उसने आज तक कभी ऐसी हरकत नहीं करी। मेहरबानी करके आप गुस्सा मत होइए। एक दूसरे की गलती निकालने से कोई फायदा नहीं है। हमने पुलिस में कंप्लेंट की है। मंजुला कहाँ है वो लोग ढूंढ लेंगे। हमारे संबंधी जी आए हैं, उन्हें बाहर खड़े रखना अच्छी बात नहीं है। आइए अंदर चलकर बात करते हैं, आइए। ए पांडे, मैं तुझसे एक सवाल पूछूं क्या? तूने मंजुला का क्या किया? मार दिया है या जिंदा रखा है? तुम जान के क्या करोगे? अरे चुप रहो ना। टेंशन में हमें नींद नहीं आ रही है। हाँ। तू बताता क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? कहाँ फंसा कर रखा तूने सबको? सब बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। रुको यहाँ पर, आता हूँ मैं। ए पांडे, ए पांडे, रात में तू घर नहीं आया? इन लफंगों के साथ कहीं घूमने गया था क्या? तुम दोनों मेरे बेटे को बिगाड़ रहे हो। आइंदा तुम दोनों यहाँ नजर मत आना। ये सब हमारी बदनसीबी है, इसे हम बिगाड़ रहे हैं। ये कुछ नहीं जानता। पांडे, आइंदा मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। हाँ, मैं भी नहीं। माँ इनपे क्यों चिल्ला रही हो? चलो खड़े मत रहो, यहाँ पे बैठ जाओ। वहाँ जा, जा। चलो। हम तुम्हारे दोस्त हैं यार। चल भाई बैठते हैं, बैठ इधर। सुशी, टिफिन बॉक्स में खाना लेके आ जा। टिफिन बॉक्स में खाना किसके लिए भैया? जाना, जितना बोला उतना कर। चित्रा, शांति दीदी की ड्रेस लेकर आ। उसका ड्रेस किसके लिए भाई? जितना बोला उतना कर ना, जा। ठीक है। ये लो भाई। मंजुला की शादी होने के बाद से तुम्हारा चाल चलन बदल गया है भाई। किसी को प्यार करने का, सपने देखने का हमारा हक है भाई, लेकिन उसे पाना या खोना ऊपर वाले के हाथ में है। तुम एडवाइस दे रही हो क्योंकि मेरा हाल बुरा है। ये लो भैया। क्या है इसमें? बॉम है। मजाक कर रही हो? भैया अब तुम्हें मंजुला को भूल जाना चाहिए, वो तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। तुम इस तरह से उसकी याद में अपना जीवन बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें हर पल इस तरह से तिल तिल मरता हुआ नहीं देख सकती। तुम उसे भूल जाओ भैया। तू क्यों दुखी हो रही है, छोड़ ना। ए दाड़ी, हाँ। इसकी हरकतें सही नहीं है, सही हमें है। सावधानी से रहना चाहिए। ये लो, चलो बाइक शेयर करो, थोड़ा आगे खिसक। चल। हाँ ठीक है, चल भाई। तूने मंजुला के साथ क्या किया? नया टिफिन बॉक्स, नया ड्रेस। तू मंजुला के साथ शादी करके जंगल में परिवार बसाएगा क्या? वो तेरे साथ रहने के लिए मान गई? अरे तू बता क्यों नहीं देता, मंजुला है कहाँ पे? ए, मंजुला के बारे में तुम लोगों ने अगर बाहर किसी से कुछ कहा ना तो तुम दोनों को मार डालूंगा। हे पांडे, हमारी दोस्ती एकदम पक्की है। हम एक ही परिवार के, एक जैसे, एक ही खून की तरह है। बताना वैसे। हाँ बिल्कुल। ए चुप, साइलेंट रहो। ए, हम इससे बेकार में बिगाड़ रहे हैं, इसको तो कुछ भी नहीं पता लगता है, तू बता। ए चुप, उसकी बातें मत करो। वो दोस्त है क्या? धोखेबाज। हम कौन है? दोस्त है यार। मार खाएगा, हम वीर परंपरा के हैं, किसी से नहीं डरते। चल मेरे साथ। चल। Thank you.
कुछ मत करना प्लीज, नो प्लीज। क्यों भागना चाह रही थी? वो कौन है जानती हो? तीन खून कर चुका है, और वो तीन कौन है जानती हो? उधर देखो, पूर्णिमा, धनलक्ष्मी और रुक्मिणी। इन लड़कियों ने लड़कों को प्यार में धोखा दिया, इसलिए उसने खून किया। मुझे आने में देर हो जाती ना तो तुम्हारी भी तस्वीर बना देता वो। भागने की कोशिश मत करना। मैं यहाँ से भाग नहीं रही थी, मेरे हाथ दुख रहे थे। मेरा हाथ खोल दो ना प्लीज पांडे, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है तुम्हें? वैसा ही दर्द मुझे हो रहा है। मैंने तुम्हें एक मामूली रस्सी से क्या बांध दिया, तुमको इतना दर्द हो रहा है? लेकिन तुमने तो मुझे प्यार में धोखा दिया, तो मेरे दिल को कितना दर्द हो रहा होगा, जानती हो? जानती हो? जानती हो? जानती हो तुम? वहाँ बाहर पानी रखा हुआ है, जाओ जाके नहा लो और ये ड्रेस पहन लो। तुम मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? ए, तकलीफ दे रहा हूँ? तकलीफ दे रहा हूँ? मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ कि तुम मुझे तकलीफ दे रही हो? फालतू की बकवास मत करो, जाके नहा लो। मेरा मन बदलाना तो फिर से बांध दूंगा। बैठो। खाओ, खाओ इसे। क्या हुआ मंजुला, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं डर के पीछे हट रहा था, तब तुम्ही ने हिम्मत दिलाई थी। अब वो हिम्मत कहाँ चली गई? प्लीज पांडे, मुझसे कुछ मत पूछो। तुमसे ना पूछो तो तुम्हारे बाप से पूछू? तुम मुझे यहाँ वहाँ ले जाकर प्यार किया करती थी ना, ये सब भूल गई तुम? भूल गई क्या तुम? नाराज हूँ। मैंने क्या गलती की?
जब मैंने कहा था कि प्यार करती हूँ तो तुम कितना भाव खा रहे थे, और अब देखो मुझे यहाँ वहाँ बुला के अपने प्यार के लिए इंतजार करवाते हो। क्या बच्चों की तरह बात कर रही हो? मेरा प्यार तो तुम्हें आसानी से मिल गया, लेकिन तुम्हारा प्यार मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। हे हे, आसानी से मिले या मुश्किल से मिले, प्यार प्यार होता है। तुम्हें देखने की, तुमसे बात करने की, तुम्हें बाहों में भर के रखने की प्यास मेरे अंदर भी है। I love you, बहुत सारा आई लव यू। मेरी आंखों में कुछ चला गया। क्या हुआ तुम्हें? अब ठीक लग रहा है ना? मैं तो मजाक कर रही थी। चल हट। ए सुनो प्लीज, सॉरी पांडे। ए सॉरी कहा ना, सॉरी बोल रही हो ना, सॉरी। ए इधर देखो। क्या घूर रही हो? हाँ, तुमने जो मुझे पहली बार किस किया था ना, उसे याद कर रहा हूँ। मेरी शादी हो गई है पांडे। हाँ तो मैं किसी और की बीवी के साथ चुम्मी के बारे में नहीं सोच रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड के किस के बारे में सोच रहा था मैं। सो जाओ। तुमने मेरी नींद खराब की है, तुमने मेरी नींद खराब की है, तुमने मेरी नींद खराब की है। ये लो जाके नया ड्रेस पहन लो, जाओ कहाँ ना जाओ। ऐसे घूर क्या रही हो? आज 3 जून है, तुम्हारा बर्थडे है। ये लो मोमबत्ती जलाओ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं जलाता हूँ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो पांडे? मुझे भूलकर किसी अच्छी लड़की से शादी करके खुश रहो तुम। किसी और से शादी करूं? थू, ऐसी बातें मत करो। मैंने तुमसे प्यार किया है, जिंदगी भर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सच्चा आशिक हूँ मैं। आए दिन लड़कियां बदलने वालों में से नहीं है ये पांडे। तुम्हारे लिए प्यार फूल जैसा हो सकता है कि ताजा हो तो सर पे लगाओ और जैसे ही बासी हो जाए उसे उतार कर फेंक दो। और मेरे जैसों के लिए प्यार पत्थर के अक्षर की तरह होता है जो जन्मों तक नहीं मिटता। एक बार लिख दिया तो बस लिख दिया। तुम जाओ मैं आता हूँ। ए पांडे कौन है ये? मेरी फ्रेंड है, मंदिर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चलता हूँ। दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई दिया तभी तो धक्का दिया। छोड़ मुझे, छोड़। Oh!
तुम्हें हाथ लगाने वाले का हाथ काट दिया था इस पांडे ने। तुम बस मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। पांडे, टेंशन में कोई गलत फैसला मत लेना। टेंशन ना लेने के लिए मैं कोई पत्थर नहीं हूँ, समझी? सुनो, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, जरा शांत होके सोचो। मैंने तुमसे प्यार किया ये सच है, पर किस्मत ने मुझे तुम्हारा साथ जीने नहीं दिया। तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, तो तुम भी और लड़कों की तरह कोई नशा या ड्रिंक करके मुझे भूलने की कोशिश करो। पांडे, देखना सब ठीक हो जाएगा। ए, बकवास बंद करो, बंद करो बकवास। प्यार में हारने के बाद दाढ़ी बढ़ाकर, शराब पीकर, सिगरेट पीकर, देवदास बनकर घूमने का जमाना खत्म हो चुका है। ये जमाना पागल प्रेमियों का है। प्यार हासिल करने के लिए जमाने के साथ लड़ सकते हैं, और वक्त पड़े तो प्यार को भी। तुम्हारा हाथ अलग, पैर अलग, नाक अलग, उंगली अलग, कान अलग, तुम्हारे जिस्म का हर पुर्जा अलग करके वीडियो बना के टीवी पे दिखाऊंगा, ताकि आज के बाद कोई भी लड़की किसी भोले भाले लड़के को धोखा ना दे, धोखा ना दे, धोखा ना दे। हमारा भाई ही हो सकता है। बेटा, तुम मंजुला की यादों में अपनी जिंदगी खराब मत करो। रामास्वामी मामा तुझे अपनी बेटी देने को तैयार है। अगर तू हाँ कहे तो मैं तेरी बात चलाऊं। तू बस हाँ कह दे बेटा, वो लड़की हैंडीकैप्ड है, बस उसके अलावा उसमें कोई खराबी नहीं है बेटा। बस तू हाँ कह दे, तेरी और तेरी बहन की शादी एक ही मंडप में कर दूंगी मैं। बाल काटो, शेविंग करो, हमेशा की तरह हंसकर और खुशी से रहो बेटा। बेटा, तुम मेरी बातों का जवाब दिए बिना कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ, पैर में कांटा चुभ गया क्या? तुमने मेरे दिल पे जो तीर चलाया ना, उस दर्द से बड़ा नहीं होगा ये कांटे का दर्द। ये देख रुमाल, पिछले वैलेंटाइंस डे पे तुमने मुझे गिफ्ट किया था, और गिफ्ट करते वक्त तुमने क्या कहा था जानती हो ना? क्या कहा था, याद है ना? याद है ना तुम्हें? आज वैलेंटाइन डे है, लवर्स डे। आज मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट दूंगी, ये लो। मंजुला पांडे, इस रुमाल में ये जो दिल है ना, ये हम दोनों का है। अच्छा बताओ, तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? आज वैलेंटाइन डे है, पता नहीं था, लेकिन मैं एक वैल्यूएबल गिफ्ट दूंगा। प्लीज प्लीज जल्दी दो ना। ये प्रिया, ये प्रियदर्शन, ये कमला, ये विमला, ये शांति, ये सुमति, गौरी, ज्योतिषो को 30 लड़कियों की कुंडली दिखा दी है। ये अच्छी है या बुरी है, भरोसे से शादी करेंगी या नहीं, शादी के बाद परिवार को चलाएंगी या भाग जाएंगी, किसी से प्यार करेंगी या नहीं करेंगी, सब दिखा के पूछताछ कर लिया मैंने। इसमें से 10 लड़कियां 100% परफेक्ट हैं। ज्योतिष ने सर्टिफिकेट दिए इन 10 के, इस 10 में से आपको कौन सी पसंद है ये बताइए। पहले अशोक की दूसरी शादी की बात बिल्कुल मत कीजिए। मुझे मेरे भाई की बातें बिल्कुल सही लग रही है।
मेरी बहू मंजुला के बारे में कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिसे सुनकर मुझे दुख हो। मेहरबानी करके फोटो उठाइए और यहां से जाइए। यहां पर पांडे कौन है? मैं हूं। मंजुला को तुम जानते हो क्या? जानता हूं। कैसे? एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसकी शादी हो गई है, तुम जानते हो? जानता हूं। अब वो गायब हो गई है, क्या ये बात तुम्हें पता है? नहीं जानता। उसे किसी ने किडनैप कर लिया, इस बात का हमें पूरा पूरा शक है। जरूरत पड़े तो इंक्वायरी के लिए दोबारा आएंगे और तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा। तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया है ये सोच के पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो मुझे मार देंगे तो तुम्हें खुशी होगी क्या? अगर तुम्हें मेरे अलावा किसी ने छुआ ना तो उसका चैप्टर क्लोज। तुम्हें मेरे अलावा किसी और को छूने का कोई भी हक नहीं है और ना मारने का हक है। दीदी, जीजा, अशोक, सब बाहर आओ। कैसे तुम लोग चैन की नींद सो रहे हो पता नहीं, बाहर आओ। जीजा, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। हमारा अशोक की भाग ना जाए, एक लसी लड़की से शादी कराने तक मैं नहीं सोऊंगा। मामा नहीं सोएगा। ब्रांड की कसम खा के कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ। शराब पीकर अपनी बेइज्जती कराते हो। क्या मैं पी के बेइज्जती करा रहा हूँ? आप तो बिना पिए बेइज्जती करा रहे हो। जो चली गई वो चली गई जीजा। अशोक की दूसरी लड़की से शादी कराए तो आप मान नहीं रहे हो। जिस लड़की से बेइज्जती हो गई, घर की मान मर्यादा चली गई, उस लड़की के साथ ये कैसे रह सकता है? तुम सब अंदर कैसे आओ। कैसे खुश रह सकता है जीजा? ए जीजा, ए माँ जीजा, ए माँ।
मेरे दिल में जो दर्द उठा है ना, वो इन जख्मों से कहीं ज्यादा है। जाओ जाके सो जाओ। तुम तो यहाँ मुझे किडनैप करके ले आए हो, पर बाहर के सभी लोग यही सोचेंगे कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ। अब तुम ही बताओ पांडे, मेरे घर वाले और मेरे ससुराल वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ए, बकवास बंद कर, चुप हो जा। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, खुद के बोले हुए डायलॉग्स भूल गई क्या? मुझसे प्यार करते समय तुम ही तो कहा करती थी कि हम दो जिसमें एक जान है, हमारी सांसें एक है, हमारी मंजिल एक है, तुम ही मेरे पति हो और मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, वगैरह वगैरह। इतना सब कुछ कहने के बावजूद तुमने किसी और से शादी कर ली तो अपना मन बदल लिया? तुम लोग यहीं रुको, मैं जाके टिकट लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। वाह रे वाह, हम पांडे के साथ इतने दिन से घूम रहे हैं, लेकिन ये कभी अपने पैसे से फिल्म दिखाया था कैसे? लेकिन मंजुला अपने पैसे से फिल्म दिखा रही है हम लोगों को। हाँ हाँ, दिखाएगी दिखाएगी, बहुत अच्छी फिल्म दिखाएगी। वाह मंजुला, कितने टिकट लाई हो तुम? पूरे 10 टिकट लाए। 9 टिकट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 टिकट्स, why 2 एक्स्ट्रा? लगता है इसके माँ बाप भी आए होंगे। इन 10 टिकटों से सिर्फ हम दोनों ही फिल्म देखेंगे। अच्छा तुम लोग कहीं और जाके फिल्म देख लो। मुझे तो मंजुला, तुमने हम सबको थिएटर में लाके हमारी बेइज्जती की है, मैं सही नहीं कर पाऊंगा, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मंजू, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, दिस इज टू मच, इसने हमारी इंसल्ट की है। सॉरी यार, हम सब शाम को मिलते हैं, चलो फिल्म देखते हैं। मंजुला एक मिनट, दफर कालिया, सब लोगों ने फिल्म देख ली ना? ठीक है, बाय। जा रहे हैं, चलो ज्योति। हम तू कहाँ जा रहे? छोड़ो, क्या हुआ तुम्हें? क्यों टेंशन ले रही हो? फिल्म में हो या रियल में हो, प्यार करने वाले अलग हो या मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो चलते हैं। क्या हो गया यार मंजुला तुम्हें, क्यों टेंशन ले रही हो? नीचे उतरो ना। सारे लड़के बहुत गंदे होते हैं, प्यार करने के बाद लड़कियों को छोड़ देते हैं। क्या हुआ तुम्हें, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज किया है, इसलिए मेरे मम्मी पापा मेरे प्यार के लिए हाँ कर देंगे। तुम्हारी माँ हाँ करेंगी क्या? वो हाँ नहीं कहेंगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे ना? क्यों शक कर रही हो? मैं कोई शक नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे अभी अपने घर ले चलो और अपनी माँ से कहो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। एग्जाम खत्म होने दो। नहीं, तुम मुझे अभी अपने घर ले चलो, नहीं तो मैं ऊपर चढ़ के नीचे कूद जाऊंगी। मुझ पे तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, इसीलिए तो तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी फैमिली से मिलना है। चलो नीचे उतरो। वालों से छुपाना गुनाह है, अपने प्यार की बात घर वालों को बता देना चाहिए, तभी तो शादी के वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इतना खुल के बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे गलत लड़की मत समझना। ये सब क्या है बेटा? माँ, वो मैं आंटी पानी ने कोई गलती नहीं की है, पहले मैं ही इसके पीछे पड़ी और इससे प्यार करने लगी।
फिर ये भी करने लगा। इसने तो फंसा दिया। पहले तो आपके बेटे ने मना कर दिया था, पर मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा। अभी भी मैंने इसे फोर्स करके यहाँ लाने के लिए कहा है। आज घर में मछली बना है क्या? मुझे मछली बहुत पसंद है, आप खिलाएंगी ना आंटी? क्या तुम दोनों आज मुझे अपने घर खाना नहीं खिलाओगी? रानी तू दीवानी है सुन ले, बाहों में भर के खुशियों के लम्हे चुन ले। जी मैं तो बन गई तेरी दीवानी सुन ले, ए बाहों में भर के खुशियों के लम्हे चुन ले। ये धरती जाने अंबर ये जाने तू मेरी, क्यों दूर मुझसे है पास आना कर देरी। ए दूर तू न जाना, ए अपना तुझको माना। क्यों दूर दूर तू है बाहों में आ जा। ए पास मेरे आ दिल में समा जाने जा, पास मेरे आ दिल में समा प्रियतमा। अरमा दिल में तेरे खातिर जागे, क्यों तेरे पीछे पीछे मनवा भागे। दिल में अरमा तेरे खातिर जागे, चलता है ये मन तू आके प्यास बुझा दे। गोरा बदन तीखे नयन है तेरे, छोड़ो शर्म आजा बाहों में मेरे। ए दूर तू न जाना, ए अपना तुझको माना। क्यों दूर दूर तू है बाहों में आजा, पास मेरे आ दिल में समा प्रियतमा।
पास मेरे आ दिल में समा प्रियतमा। अरमान दिल में जागे मन तेरे पीछे भागे, क्यों दूर दूर तू है बाहों में आ जा। है नन्ना नने नर नन्ना ना 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 ना, है नन्ना रने नर नन्ना नर नन्ना ना ना ना। उस दिन थिएटर में तो बहुत चिल्ला रही थी, प्रेमी जोड़ों को जुदा करने वाले लोग बुरे होते कह रही थी। आज तुमने खुद हम दोनों को जुदा कर दिया, तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया। मारा कि नहीं? उस समय तो बहुत प्यार आ रहा था और प्यार में पागल होकर तुम मेरे घर तक पहुंच गई, मेरी माँ और बहनों से दोस्ती कर ली, माँ से कहा मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ। ऐसा बर्ताव करके मेरे दिल में तुमने प्यार बढ़ाया ना? बढ़ाया कि नहीं? तुमने मेरे दिल में उम्मीदें बढ़ा दी, लेकिन तुमने धोखा दिया, इसलिए मेरा दिल जल रहा है, तप रहा है, धधक रहा है। ये आग बुझा सकती हो सिर्फ तुम, मैं भी नहीं, और ना ही किसी और में मेरे दिल की आग बुझाने की हिम्मत है। पुरानी बातें भूलने की कोशिश करो पांडे, और मुझे घर जाने दो, नहीं तो अगर तुम चाहते हो तो मुझे मार डालो। मेरे अंदर तुम्हारी बातें सुनने की शक्ति नहीं है। भाग गई थी। अरे हाँ दीदी, हमें पता था, उसके चाल चलन अच्छे नहीं थे, पहले से ही दिख रहा था। कैसे संस्कार दिए हैं लड़की को जो वो भाग गई? पता नहीं बहन, कैसी लड़की थी, माँ बाप की इज्जत की उसे कोई परवाह ही नहीं थी। सुनिए, हम लोग आपका इंटरव्यू लेने आए। तुम लोग? सर नमस्ते, नमस्ते। टीवी से आ रहे हैं। क्यों, किस लिए, कैसे? एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू चाहिए। मेरे से क्या इंटरव्यू लेंगे? आपने अपने बेटे की शादी की, लेकिन शादी के रात ही आपकी बहू यहाँ से भाग गई, क्या वजह होगी बता सकते हैं? उस लड़की ने घर से भाग कर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी और तुम उसे टीवी पर दिखाओगे? मेरी बहू भाग गई वो मैं नहीं सोच रहा हूँ, किसी ने प्लान करके किडनैप किया होगा ये लग रहा है। या आप कैसे कह सकते हो कि किडनैप किया है? किडनैप करने वाला शादी से पहले भी तो किडनैप कर सकता है, लेकिन शादी के दिन ही क्यों किडनैप किया? क्योंकि उस दिन मेरी बहू ने 30 तोले जेवर पहने हुए थे, जेवर की लालच में किसी ने उसे किडनैप कर लिया होगा। आप वो भागी हुई मंजुला के हस्बैंड हैं? मंजुला भागी ये मैंने नहीं कहा, उसे किसी ने किडनैप किया है। इन हालातों में आपके मन में क्या चल रहा है? मन बहुत दुख रहा है, लेकिन मंजुला के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अरे इस तरह से कैसे पागल की तरह बात कर रहा है? वो किसी और से प्यार करती थी और उसी के हाथ पकड़ के भाग गई उसके साथ, ये तो समझता ही नहीं है। सर वो लवर के साथ भाग गई है ऐसा आप कह रहे हो, लेकिन वो शादी से पहले क्यों नहीं भागी? शादी करके क्यों भागेगी वो बेचारी? सर शादी से पहले भागती तो खाली हाथ भागना पड़ता, लेकिन अब तो 30 तोला सोना लेकर गई है, ये सब उसने पहले से प्लान किया था। सुनिए मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, घर का हर एक आदमी गम में डूबा हुआ है, ये सब टीवी पर दिखाकर हमारी बहू की बेइज्जती मत कराइए। थैंक यू सर, चलो चलते हैं। सर सर सर, सर।
कौन है आप लोग? आपको क्या चाहिए? मंजुला का घर यही है। हाँ जी सर, हम एसटीवी से आए हैं। क्यों, कैसे, किस लिए? इस छोटे से प्रोग्राम के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे सर। शादी के दिन ही आपकी मंजुला भाग गई, ऐसा क्यों? जब उसने भागने का सोचा तो मंजुला ने शादी क्यों की? ये घटना हुई तो कैसे हुई? जिससे शादी हुई उसे मंजुला पसंद नहीं करती थी क्या सर? हे, यहाँ से बाहर निकलो, टीवी में दिखाकर मेरी बेटी की बेइज्जती कराओगे क्या? सॉरी सर, आपका अपमान करना या बेइज्जती करना हमारी सोच नहीं है। आइंदा ऐसी घटना समाज में कहीं और ना हो, इसलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं सर, अच्छे इरादे से कर रहे हैं। हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं हमें कोई भी बात नहीं करनी, अब जाइए यहाँ से। सर मंजुला बहुत अच्छी लड़की है और वो गलती कर ही नहीं सकती, ऐसा उसके फ्रेंड्स कहते हैं। आप क्या कहते हैं सर? मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूँ, वो जो करेगी अच्छा ही करेगी। हमारी बेटी हमेशा हमारे बारे में सोचती थी, उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ठीक है जाइए, चलो चलते। अरे दोस्त, ये सब प्लानिंग है, इन लोगों को पता चल गया तो हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे। तुम्हारे माँ बाप और तुमने जिस घर में शादी की उस घर के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, यही सोच रही थी ना तुम? देख लो क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में। उस लड़की ने घर से भागकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी और तुम उसे टीवी पर दिखाओगे? मेरी बहू भाग गई, वो मैं नहीं सोच रहा हूँ, किसी ने प्लान करके किडनैप किया होगा ये लग रहा है, क्योंकि उस दिन मेरी बहू ने 30 तोले जेवर पहने हुए थे। जेवर की लालच में किसी ने उसे किडनैप कर लिया होगा। मंजुला भाग गई है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसे किडनैप किया है। मन तो बहुत दुख रहा है, लेकिन मंजुला के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। शादी से पहले भागती तो खाली हाथ भागना पड़ता, ये सब उसने पहले से प्लान किया था। मैं अपनी बहू को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं हमें कोई भी बात नहीं करनी, अब जाइए यहाँ से। तुम तो बिना डरे यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, तुमने मुझे किडनैप किया यह बात पुलिस को पता चल गई तो तुम्हें जेल भेज देंगे। तुम सावधान रहो, तुम्हारी माँ बहन तुम्हारे भरोसे ही जी रही हैं। हाँ हाँ, तुम तो बहुत ख्याल करती हो ना मेरा। मैं तुम्हारे दिल के जेल में तो कैद हो ही चुका हूँ, अब बाहर के जेल में कैसे कैद हो पाऊंगा? ए, मैं तुमसे दूर क्यों चली गई जानते हो? मामा, लड़के का नाम अशोक है, वो इंजीनियर है, महीने में 30,000 रुपए कमाता है, अच्छा खानदान है। अगर आप कहें तो मंजुला की शादी वहाँ तय कर दें। मंजुला से एक बार पूछकर ही हम फैसला करेंगे। एक बार मंजुला से पूछ लीजिए, वो क्या हमारी बात नहीं टालेगी, फिर भी उससे एक बार पूछना जरूरी है। मैं समझ गया मामा, आप दोनों ने लव मैरिज करी थी ना, एक लड़की की चाहत क्या होती वो जानना चाहते हैं, तो कोई गलत नहीं, आप लोग मंजुला से पूछ लीजिए। लड़के का नाम अशोक है, महीने में 30,000 कमा रहा है, अगर तुम्हें पसंद हो तो ही शादी तय करेंगे। इसमें तुम्हारी मर्जी जरूरी है, हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। सॉरी पापा, मैं आपसे एक बात बताना भूल गई थी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। ठीक है बेटी, तुम उस लड़के को घर पर बुलाओ, हम उससे बात करेंगे, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। दीदी, तुम्हारी बेटी को पसंद कर लिया मेरे बेटे ने, तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है मेरा बेटा, अगर तुम हाँ कर दो तो हम दोनों लड़कियों की शादी एक ही मंडप में करवा देंगे। आपकी दूसरी बेटी की शादी हम करा देंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम किस सोच में पड़ गई बहन, तुम्हारी हैंडीकैप बेटी से कौन शादी करेगा, सही फैसला लो। मेरे पास पैसा बहुत है, मेरी बेटी से शादी कोई भी कर लेगा, मैं तो आपके बारे में सोच रहा हूँ। आप लोगों ने खुद आकर मेरी बेटी का हाथ मांगा है, लेकिन एक बार मैं अपने बेटे से बात कर लूँ। हाय आंटी। हाय छोटी, हाय चित्रा। मैंने अपने मम्मी पापा से अपने प्यार के बारे में बता दिया और वो शादी के लिए तैयार हो गए हैं। पापा ने कहा है कि आप मेरे घर आके शादी की बात तय कर लीजिए, अभी चलिए ना आंटी, अभी चलिए। ये सब लोग कौन है, रिश्तेदार हैं क्या? कोई बात नहीं, इन्हें भी साथ लेके चलते हैं। आप सबको मेरा नमस्ते, मेरा नाम मंजुला है, मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ, पांडे से मेरी शादी होने वाली है। ओ, तुम पांडे से शादी करने वाली हो? दीदी, मैं चाहता था रिश्ता हमेशा अच्छा रहे, इसलिए सोच कर लड़की का हाथ मांगने आया, अब ये पांडे से शादी करने वाली है
तो इस घर में मैं एक मिनट नहीं रुकूंगा। अब से हमारा रिश्ता खत्म हो गया दीदी। भाई साहब आप मत जाइए, आप मत जाइए भाई साहब। मेरा बेटा आपकी बेटी से ही शादी करेगा। मैं बात करती हूँ, सुनो, मैं तुम्हें देवी मानकर विनती कर रही हूँ। तुमसे शादी करने के लिए बहुत से लड़के आएंगे, लेकिन तुम्हारे ही जैसी मेरी अपंग लड़की से कौन शादी करेगा? अगर मेरा बेटा इनकी बेटी से शादी करेगा तो ये अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर देंगे। मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। आप रोइए मत आंटी, आप सब लोग खुशी से रहिए। चित्रा को अच्छी जिंदगी मिले, मैं यही चाहती हूँ। मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे बेटे से कुछ आप ये बात पांडे को मत बताना आंटी, मैं उससे दूर चली जाऊंगी तो मुझे भूल जाएगा। जरा रुको बेटी, इस लड़की के लिए तुमने अपना प्यार कुर्बान कर दिया, क्या पांडे इस बात के लिए मानेगा? मैं पांडे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो मुझे जितना प्यार करता है अपनी बहनों से भी उतना ही प्यार करता है। वो अपनी बहनों के लिए कुछ भी कर सकता है आंटी। जिससे कहेंगे मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ पापा। क्यों, क्या हुआ बेटी? उससे कुछ मत पूछो मम्मी। मंजुला, जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। इंसान जिंदगी में अपना पहला प्यार कभी भी नहीं भूलता है। सिर्फ अपने बारे में सोच के उसे पकड़ कर उससे प्यार करना सही नहीं है पापा, उसकी खुशी के बारे में भी तो सोचिए। किसी के लिए त्याग करना उसे भी तो प्यार कहते हैं। और मेरे मन में कोई दुख नहीं है। आप जिस लड़के को पसंद करेंगे उस लड़के से शादी करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पापा। आप बस मेरी शादी की तैयारी करिए। अब तुम्हें बताओ मैंने क्या गलत किया? उस वक्त जो भी मैंने किया वो अच्छा है या बुरा वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, ये सच है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मैं तुम्हारी माँ बहन सबसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सच है कि तुम्हारी बहन की अच्छी जिंदगी के लिए मैंने अपने ही प्यार का त्याग किया है पांडे। त्याग करना ही प्यार है पांडे, और जरूरत पड़े तो अपने प्यार को भूलना चाहिए। ये किताब में पढ़ा है मैंने, उसका मतलब तुम जानते हो या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ। तुमने गलती की मंजुला, गलती की। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था मंजुला। सही हो या गलत हो, तुम खुश रहो, तुम्हारा परिवार खुश रहे, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ। मेरे परिवार को खुश रखने के लिए तुमने हमारे प्यार को ऐसे खत्म करने की कोशिश की? तुमने धोखा दिया सोच के मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ उठा कर लेकर आया, लेकिन मैं मेरे प्यार के हाथों मजबूर हो गया और मैं तुम्हें मार नहीं पाया। अपने दिल से सच्चे प्यार को मिटा देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा है। सच्चा प्यार करने वाला कोई भी अपने प्यार को इतनी आसानी से नहीं भूल सकता, और मेरे लिए सच्चा प्यार अभी भी तुम्हारे मन में है। मैंने सोचा था अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी तो तुम मुझे और मेरे प्यार को भूल जाओगे पांडे, पर तुम वैसे लड़के नहीं हो। तुम जैसे कुछ प्यार करने वाले प्यार के सामान को बनाए हुए हैं। संग संग वादा निभाना है, तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। मेरी चाहतों की हद यार जान तू, मुझे अपना पल पल मान तू, मुझे अपना पल पल मान तू, मुझे अपना पल पल मान तू। ये प्यार न होगा कम, ये प्यार न होगा कम, ये प्यार न होगा कम, ये प्यार न होगा कम। तेरे संग संग वादा निभाना है, तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। जुदा
करता रहूंगा मैं संग सदा, दुनिया चाहे मुझे कुछ भी कहे, तुझको खुशी दूंगा गम न कभी दूंगा, सच कहता हूँ यार समझ ले तू, होने न दूंगा जुदा रहूंगा मैं संग सदा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुझको खुशी दूंगा गम न कभी दूंगा, सच कहता हूँ यार समझ ले तू, प्यार का बसाना है दिल या दीवाना है कैसे बताऊँ यार समझ न तू, प्यार न होगा गम ये प्यार न होगा गम ये प्यार न होगा गम ये प्यार न होगा गम, तेरे संग संग वादा निभाना है, तेरी बाहों में मुझे मर जाना है, कहे किसे पता साथ तू दे दे मेरा, दुनिया हमारी सवर जाए रे, नगमे सुनाऊंगा प्यार जताऊंगा, पल पल दूंगा तुझको बाबा, ओ कल कहे किसे पता साथ तू दे दे मेरा, दुनिया हमारी सवर जाए रे, नगमे सुनाऊंगा प्यार जताऊंगा, पल पल दूंगा तुझको वफा, प्यार का फसाना है दिल या दीवाना है कैसे बताऊं समझ न तू, ये प्यार न होगा कम ये प्यार न होगा कम ये प्यार न होगा कम ये प्यार न होगा कम, तेरे संग संग वादा निभाना है, मेरी बाहों में मुझे मर जाना है, मेरी चाहतों की हद यार जाने तू, मुझे अपना पल पल माने तू, मुझे अपना पल पल माने तू, मुझे अपना पल पल माने तू, ये प्यार न होगा कम ये प्यार न होगा कम ये प्यार न होगा कम ये प्यार न होगा कम, तेरे संग संग वादा निभाना है, तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। ए कालिया, ए डफर, तुम लोग कैसे आराम से पेपर पढ़ रहे हो? एबी सी डी ई एफ जी एच आई जे, किसने कहा कि पेपर पढ़ना गुनाह है? पेपर पढ़ने से वर्ल्ड नॉलेज डेवलप होती है दोस्त। अबे ताई, पुलिस जाल बिछा के हम लोग को ढूंढ रही है और तुम लोगों को मजाक सोच रहा है? पढ़ने से मेरा कोई संबंध नहीं है और तुम लोग कौन हो मैं भी नहीं जानता। तेरी तो खतरे में भी साथ देगा दोस्त, पुलिस आके पकड़े तो भी सीना उठा के खुशी से रहना चाहिए। रुको बे, इधर आ, कोई भी अपनी जगह से हिलना मत, नहीं तो मार मार के भुर्ता बना दूंगा। तुम में से कालिया कौन है? ये है। ये कैसा ड्रेस है? गाय बकरी चराने वाले जैसा लग रहा है, हैं? तुम इस टीम के कैप्टन हो, तुम ही चलाते हो ना इस टीम को? साहब ये कौन है, ये कौन है, मैं सच में नहीं जानता साहब। साहब ये पेपर पढ़कर अपनी जनरल नॉलेज डेवलप करने के लिए आए हैं, इसलिए हम लोग दुकान पर बैठे थे साहब, यही बात है साहब। पांडे और मंजुला एक दूसरे से प्यार करते थे और इनका साथ दिया तुम लोगों ने, अभी मंजुला गायब हो गई है, तुम सब लोगों ने मिलकर उसे किडनैप किया होगा या मार दिया होगा। ये क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर, आप फालतू में हम पर इल्जाम लगा रहे हो। ब्लडी प्लीज बैट प्लीज, ये बात मैं सेंट्रल तक ले जाऊंगा। सेंट्रल जेल पांडे है क्या घर पे? वो तो बाहर गया है साहब। ए अंदर जाके देखो। यस सर। तुम कौन हो? मैं पांडे की माँ हूँ साहब। शादीशुदा एक लड़की को तुम्हारे बेटे ने किडनैप किया है। मेरा बेटा ऐसी गलती नहीं कर सकता साहब। सर अंदर कुछ भी नहीं मिला सर, हटो जरा। घर के अगल बगल में कांस्टेबल तैनात कर दो। ओके सर। पांडे घर के आसपास दिखाई दे उसे अरेस्ट करो। ओके सर। Thank you.
चलो घर चलते हैं। किसके घर? वही घर जिस घर में तुम्हें रहना चाहिए। मैं समझी नहीं। मैं समझ गया तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, जिंदगी के बारे में, और तो और तुमने मुझसे जो प्यार किया वो भी समझ गया। मैं कुछ समझी नहीं पांडे, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। हिम्मत रखो, चलो मेरे साथ। अगर त्याग ही प्यार है तो मैं भी त्याग कर सकता हूँ। रिलैक्स रहो, अगर तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा है तो बेझिझक चलो। तुमने क्या किया बेटा? पुलिस तुम्हें ढूंढ रही शांत है। रहो माँ, जाओ कहीं, शांत हो जाओ, जाओ तुम। इससे शादी करूंगा तो तुम्हें और बहनों को छोड़ दूंगा, यही सोचा था ना? मैं वैसा नीच लड़का बिल्कुल नहीं हूँ माँ। पहले तुम यहाँ से निकलो, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, जाओ यहाँ से। ए, रोक गाड़ी, रोक। अरे रे, छोड़ दीजिए साहब। अभी वो लोग आ रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं कहेगा, सब शांत रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते। Thank you.
आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मंजुला को मैंने किडनैप किया था। मैं मंजुला से प्यार करता था, वो नहीं मिली इसलिए मुझे गुस्सा आया था, इसीलिए मैंने मंजुला को किडनैप किया। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, मेरी गलती की वजह से आप सब लोगों को तकलीफ हुई। आप अपना गुस्सा मंजुला पे मत निकालिए, उसे स्वीकार कीजिए प्लीज। ए, ये क्या कारी सुना रहा है? एक महीना तूने इसे अपने पास रखा, परिवार की तरह इसको पाला, पोसा, मस्ती की, मजाक किया, और अब तू इसे यहाँ छोड़कर चला जाएगा और हम इसे स्वीकार कर लेंगे? और तेरी हिम्मत तो यहाँ आया, ये तो हम छोड़ेंगे नहीं, रुक जा। तुम्हारे कहने से अभी भी हम इसे अपने रूप स्वीकार कर ले? इतने बड़े पागल नहीं हम। मंजुला को कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरी पत्नी है। तुम्हारे बोलने से क्या वो तुम्हारी पत्नी हो जाएगी? तुमने सही कहा दीदी, शादी होकर घर में एक दिन भी रुकी नहीं, दूसरे की पत्नी बन गई और यहाँ से भाग गई। इतनी बेइज्जती के बाद भी हम इसे अपनी बहू स्वीकार कर लेंगे? मामा, आप चुप रहिए। कुछ मत बोल तू। इसने उसके साथ दोस्ती की, मस्ती की, मजाक किया, शादी की है, तूने तो सिर्फ उसको मंगलसूत्र पहनाया है। इसने उसके साथ सुहागरात मनाई है और ये इज्जत लुटवा करके हमारे यहाँ आ गई, और तू इसे अपनी पत्नी मान लेगा? हम ऐसा नहीं होने देंगे। सुनो, आप बीच में मत बोलो। मैं मंजुला को अपनी पत्नी मान लूंगा। अभी भी हम इसे अपनी बहू स्वीकार कर ले? शेफ, ये सोचो तो मंजुला को ये मार भी सकता था या नशा करके उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब इसमें इंसानियत है और इसने हमें मंजुला को सही सलामत सौंप दिया, और मुझे मंजुला पर पूरा भरोसा है। मैंने सिर्फ मंजुला को मंगलसूत्र पहनाया है, लेकिन मंगलसूत्र सिर्फ एक धागा नहीं होता, बल्कि दो दिलों को मिलाने का एक जरिया होता है। कल्चर है, मान मर्यादा है, हिफाजत है, यही एक पहचान है। इसलिए मंजुला को अपनी पत्नी मानने से मुझे कोई एतराज नहीं। ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मेरी लाइफ में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। सुभाष बेटा, मुझे तुम पे बहुत गर्व है बेटा। मैं अपने मन की बात कह चुका हूँ, अब फैसला मंजुला के हाथ में है। मंजुला, तुम इस घर के अंदर जाओगी या बाहर जाओगी, ये तुम्हारा फैसला है। तुम अपने दिल से पूछो और सही फैसला लो। हे भगवान, ये क्या हो रहा? जिया जी, वो चुपचाप अंदर चली गई, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, उसे बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जब मेरे बेटे ने बहू को स्वीकार कर लिया, तुम कौन होते हो बोलने वाले बेवड़े कहीं के?